की बात करें तो डेवन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के एक या दो स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही साथ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस जो है ये प्रिवेल करने की संभावना है असम और त्रिपुरा में। डे टू की बात करें तो डे टू में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है और साथ ही साथ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन जो है ये प्रिवेल करने की संभावना है असम में। डे थ्री की बात करें तो डे थ्री में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही साथ डे फोर और डे फाइव की बात करें तो वहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की। वेदर वार्निंग की बात करें तो वेदर वार्निंग हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे वन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। उसी तरह दूसरे दिन यानी डे टू में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और साथ ही साथ गस्टी विंड स्पीड रीचिंग अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम एंड मेघालय। डे थ्री की बात करें तो डे थ्री में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विथ गस्टी विंड रीचिंग अप टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड रीचिंग अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम एंड मेघालय। और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मिजोरम और त्रिपुरा में एक या दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में हैवी रेन होने की संभावना है एक या दो स्थानों पर। डे फोर की बात करें तो डे फोर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एक या दो स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ ही साथ स्क्वाली विंड्स विथ स्पीड रीचिंग अप टू 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर गस्टिंग अप टू 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। साथ ही साथ हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश। और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैवी टू वेरी हैवी विथ एक्सट्रीमली हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। रही बात डे फाइव की तो डे फाइव में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग विथ गस्टी विंड स्पीड रीचिंग अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। साथ ही साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एक या